हेलो बच्चों, हम लोग कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करें। कंप्यूटर में हम लोग कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे बच्चों? चैप्टर 5 स्टिक्स। स्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें स्टिक ड्राइंग होती है, टूल पैटल होते हैं, स्टिक फिगर्स होती हैं, स्टेज होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेम पैटल। फ्रेम पैटल क्या होता है बच्चों? इसमें अलग अलग टाइप के फ्रेम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के। When you click on any frame in the petal, it will take you to that frame in your documents and will put a red border around the frame. Thumbnail image कि जो भी फ्रेम आप चूज करोगे वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे, जो ये नीचे छोटी सी पिक्चर दी हुई है थंबनेल पिक, इसके ऊपर आ जाएगा रेड बॉर्डर। और फिर वो जब आप सिलेक्ट कर दोगे तो वो पिक्चर पे वो फ्रेम लग जाएगा। कमांड्स पैटल प्लेट्स इट एनिमेटिंग अ डॉक्यूमेंट आफ्टर ओपनिंग द सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे। इट इज टाइम टू क्रिएट एन एनिमेशन। एक एनिमेशन को क्रिएट करने का टाइम है। कैसे? एनिमेशन इज अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेज डिस्प्ले इन ए क्विक सीक्वेंस। इसे मैं आपको सरल और आसान शब्दों में कैसे समझा सकती हूँ? देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने एक पिक्चर यहाँ पे बनाई, एक अगले पेज पे, एक उससे अगले, एक उससे अगले, इस तरह। अगर मैं इस बुक को मूव करती हूँ, तो फिर से देखिए, अगर फटाफट इस पे कोई एक जैसी पिक्चर बनी हुई होगी तो वो ऐसे लगेगा जैसे मूव कर रही हैं। तो इसी तरह एनिमेशन क्या होता है? एक सीरीज होती है इमेजेस की, जिससे वो क्विक सीक्वेंस जल्दी जल्दी मूव की जाती है कि पहले पेज पे ऐसे बना दी, दूसरे पेज। इट अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन कस्टम बटन्स इन द पेटल दैट हेल्प इन मेकिंग द एनिमेशंस फास्टर एंड ईजियर। ये कमांड्स किस लिए होते हैं बेटा? क्रिएट यू ओन कस्टम बटन्स, कि आपके ओन खुद के कस्टम बटन्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन द पेटल्स दैट हेल्प इन मेकिंग द एनिमेशन फास्टर एंड ईजियर, जिससे आपका ये जो एनिमेशन है, जो ये आपका कार्टून आपने बनाया है, जो स्टिक ड्राइंग बनाई है, वो ईजी और फास्ट हो जाती है बनाने। नेक्स्ट कंट्रोल, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्लेबैक ऑफ एनिमेशन इन स्टिक्स। कि स्टिक्स में जो हम एनिमेशन बनाते हैं बेटा, उसके प्लेबैक को कि चलाना और रोकना, उसको इजी करता है, कंट्रोल करता है ये कंट्रोल पैटल। दूसरे पेज पे ऊपर हैंड कर दिया, तीसरे पे पीछे कर दिया, नीचे कर दिया, इस तरह जैसे उसको बनाते जाएंगे और आगे आगे सीक्वेंस में फटाफट तेजी से उसको मूव करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो मूव हो रही है। क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों? कंप्यूटर में सिलेक्ट टूल, टूल को सिलेक्ट कीजिए, जो ये सिलेक्ट टूल होता है। क्लिक ऑन द ड्रैग नोड येलो सर्कल। ड्रैग नोड कौन सा होता है? येलो सर्कल। ड्रैग नोड टू ड्रैग द फिगर ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ स्टेज। जो लेफ्ट साइड होती है उसके ऊपर जो ये येलो बटन होता है, इसको क्लिक कीजिए। एज यू ड्रैग द फिगर द थंबनेल ऑफ स्टेज इन द करंट फ्रेम विल ऑल्सो गेट अपडेटेड। जैसे ही आप
इसको क्लिक करेंगे, साथ में ये भी मूव करेगा। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, क्लिक ऑन न्यू फ्रेम बटन टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम। अगर हमें नया फ्रेम लगाना है बच्चों, वो हम कहाँ से लेंगे, ये देखिए, ये आपको स्क्रीन, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे और आपकी बुक के पेज पे भी ये ऐसे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे, इधर ये सब है, इनको छोड़ के यहाँ पर जो कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ है, न्यू फ्रेम लिखा हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है। अ न्यू थंबनेल नेल अपीयर इन फ्रेम पेटल विद रेड बॉर्डर। ये हमने पीछे पढ़ा था ना बेटा, कि जब हम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर थंबनेल जो पिक्चर होती है हमारी, उस पर एक रेड बॉर्डर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द कंट्रोल पैलेट्स चेंज टू फ्रेम टू ऑफ टू, कि ये क्या करेगा, अब फ्रेम को चेंज कर देगा। अर्लियर इट वॉज फ्रेम वन ऑफ वन, ये सिर्फ वन का फ्रेम था, अब ये दोनों के फ्रेम को चेंज कर देगा, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लिक ऑन ड्रैग नोड एंड ड्रैग द फिगर टू द राइट ऑफ द ऑन द स्टेज। ड्रैग नोड कौन सा है बच्चों, दिस वन, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये राइट में मूव हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा। एज यू ड्रैग द ग्रे फिगर ऑफ प्रीवियस फ्रेम इज डिस्प्लेड, दिस इज कॉल्ड ओनियन स्किन। देखो बच्चों, पहले ये पिक्चर यहाँ पर थी, इसको जब हमने यहाँ पर मूव कर दिया तो यहाँ पर एक ग्रे लाइक अ शैडो रह जाती है। इस ग्रे शैडो को, इस ग्रे पिक्चर को, इमेज को क्या बोलते हैं, ओनियन स्किन। एज यू ड्रैग द फिगर द थंबनेल ऑफ स्टेज इज द करंट फ्रेम विल ऑल्सो, जो जब हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं बेटा और यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं तो साथ ही ये देखिए जो नीचे वाली पिक्चर है हमारी थंबनेल पिक्चर्स, वो भी साथ के साथ मूव होती जाती हैं, कि पहले हमारा ऐसा था, सेकंड में फ्रेम आ गया था, थर्ड फिर से मूव हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए फाइव, क्लिक ऑन न्यू फ्रेम बटन टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम, कि पहले वाली पिक्चर यहाँ से यहाँ पर मूव हो चुकी है, इसके लिए भी एक और फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से, वहीं से, न्यू फ्रेम से। अ न्यू थंबनेल अपीयर इन फ्रेम पेटल विद रेड बॉर्डर, और फिर से एक रेड बॉर्डर के साथ एक पिक्चर, छोटी पिक्चर जो नीचे वाली है, वो एक और आपके सामने अपीयर हो जाएगी, आ जाएगी। क्लिक ऑन रेड सर्कल, रेड सर्कल्स को क्या हमने नाम दिया था बच्चों, पिवोट नोड एंड रोटेट इट अपग्रेड अपवर्ड। रेड सर्कल्स पर हम लोग जब क्लिक करेंगे बच्चों तो क्या होगा, रोटेट इट अपवर्ड। अब हम पिक्चर में देख के देख समझते हैं बच्चों इसको, ये वाली जो रेड डॉट्स हैं, इन सब रेड डॉट्स को हमने क्या नेम पढ़ा था पीछे, पिवोट नोड, और अगर हम इनको क्लिक करेंगे तो हम इनके हैंड्स को मूव कर सकेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका हैंड नीचे था, अब हमने इस रेड डॉट को क्लिक किया तो ये ऊपर हो गया है। ओके, इसको आगे करते हैं बेटा। द ग्रे फिगर ऑफ प्रीवियस फ्रेम विजिबल इन द, इट इज यूज टू पोजिशन द फिगर ऑफ करंट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों।
इसमें क्या बताया गया है कि ये आगे मूव हो जाएगा, और ये देखिए ग्रेस रेड्डो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, कि जब हम इसको ऑन करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये हमें हाथ ऐसे लगेगा जैसे ये मूव किया गया है, जैसे हम ऐसे हाथ हिला रहे हैं ना, तो वो